एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज, बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया, किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोक लगाकर प्रणाम कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिला ही देगा। करना प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करें, इसका ध्यान रखें महाराज। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। शिवजी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा, बाबा करेगा।